अब बात करते हैं नेचर रूट के ऊपर में। आइए जरा सा देखें नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं क्या है नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो देखिए जो बेसिकली क्लास टेंथ में अपना अपने को जो दिया हुआ है, ठीक है, वो नेचर ऑफ रूट तीन तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक, क्या क्या है जरा सा देखिएगा, कंडीशन क्या क्या है। इफ 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 बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो, क्या हमने कहा, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा रहता है, देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा हो तो दो आपके जो है अलग अलग रियल रूट होंगे। अलग अलग से कहने से मतलब क्या है कि अगर एक रूट, रूट्स मींस एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आपको मिलेंगे वो दो इसमें मिलेंगे लेकिन अलग अलग मिलेंगे, 1/2 या 3/2, ठीक है, ये मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। आगे में चलते हैं और बात करते हैं अनदर, देखते हैं कंडीशन। ठीक है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो जाता है तब आपके दो इक्वल रूट मिलेंगे। ठीक है, देन टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो जाता है तो आपके आपके जो रूट होंगे वो दोनों बराबर आएंगे, जैसे 1, 1, 1/2, 1/2, ठीक है, 1/√3, 1/√3, 2/√3, 2/√3, तो ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल रूट होंगे। थर्ड केस में क्या आ जाता है, ठीक है, केस के थ्रू नहीं समझाया लेकिन बोल रहे हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो देन नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से छोटा हो जाता है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ये चीजें अगर आपने मैथमेटिक्स ली है क्लास इलेवेंथ में तो आप ये चीज को देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में वहां पढ़ेंगे, ठीक है, कि रियल रूट्स क्यों नहीं आता, इमेजिनरी में आएगा। ठीक है, आज निकलेगा लेकिन इमेजिनरी में निकलेगा। ठीक है, तो आप वहां पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया नेचर ऑफ रूट निकालने के जो है हमारे पास में तीन फंडे हैं, तीन रूल हैं। ठीक है, अगर इन तीनों का क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसके हिसाब से आगे में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल सेवन देखते हैं। एग्जांपल सेवन में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। और क्या करना है, इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यार, करना यह है कि सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। क्या फाइंड करोगे, नेचर चेक करोगे। ठीक है, पहले नेचर निकालोगे उसके बाद में रूट्स को देखोगे। क्या मैंने कहा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट पे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करना है कि सबसे पहले आपको यह करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, उसके बाद में इसका जब नेचर आपको पता चल जाएगा कि दो अलग अलग रूट आना है या दो इक्वल रूट आना है या कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद में ही आगे में आप काम कर सकते हो। फिर से एक बार बता देता हूं, सबसे पहले अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है,
और जैसे इस क्वेश्चन में हमें कह दिया कि फाइंड करो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, और उसका रूट्स भी निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल देंगे, निकालने के बाद में हमें जब इसका नेचर पता चल जाएगा है क्या, ठीक है, रूट पॉसिबल है या नहीं है ये पता चल जाएगा, उसके बाद में आगे में हम इसका रूट्स फाइंड करेंगे। तो क्या करना है जरा सा देखिएगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन को, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ए जरा सा देखे, ए क्या है, टू है, ठीक है, अगर बी देखें तो माइनस फोर है, और अगर सी की हम बात करें तो क्या है, थ्री है, ठीक है। क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। चलिए तो बी कितना है, माइनस फोर है, माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए कितना है, टू है, और सी देखा जाए तो कितना है, थ्री है, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस फोर का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको मिलेगा ये प्लस सिक्सटीन, ठीक है, और मल्टीप्लाई करो, फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, माइनस के साथ में, ठीक है, ये डी है, ये डी है। तो डी इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यार, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा यहां, माइनस एट मिलेगा, ठीक है। अब नेचर देखो, नेचर देखो, नेचर देखो क्या कह रहा है, जरा से समझो कि इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो देन नो रियल रूट्स, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू है, मान है, जीरो से कम हो, छोटा आ जाए, तो उसमें कोई भी रूट नहीं होगा, यानी कि हम यहां से कह सकते हैं डी डी लेस देन जीरो, ठीक है, देयरफोर देयरफोर या हेंस हेंस इट हैज नो रियल रूट, नो रियल्स, रियल रियल्स मतलब रियल रूट्स, ठीक है। एग्जाम्पल सेवन कंप्लीट हो गया, यहां तक काम कर लें। अगर क्राइटेरिया टू और थ्री, सॉरी टू और फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, अगर ये दोनों क्राइटेरिया आता है तो आप जो है उसका रूट पता करोगे, निकालोगे, ठीक है। और अगर कहीं पे आ जाता है थर्ड जो केस है, अगर इसको फुलफिल करता है तो आप आगे में काम नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे, आगे में चलेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल नाइन देखो, जरा सा एग्जाम्पल नाइन देखो, फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, ठीक है। ये नाइन है, नाइन में क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट फुल स्टॉप, फाइंड देम इफ दे आर रियल। क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और उसका नेचर भी बताओ, और अगर पॉसिबल है, उसमें लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर पॉसिबल है तो रूट्स भी निकालो। तो इक्वेशन आपके पास में है, दिया गया है, क्या दिया गया है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक आ गया, बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, लेकिन याद रहे फैक्टराइज मत करना भाई, आप निकाल सकते हो फैक्टराइज करके, इसमें कोई डॉट नहीं है, लेकिन अगर फैक्टराइज बोला गया तो फैक्टराइज से करेंगे, क्वाड्रेटिक बोला गया तो क्वाड्रेटिक से करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ए इज इक्वल टू सोल्यूशन, ए इज इक्वल टू थ्री, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एलसीएम में अपना टाइम खराब क्यों करें, जब हम डायरेक्ट इसको क्वाड्रेटिक से कर रहे हैं तो पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, ठीक है। आगे में चलेंगे, b इज इक्वल टू माइनस टू और c इज इक्वल टू वन बाई थ्री, क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, हाँ या ना बताओ, कर सकते हैं। आगे में b देखो जरा सा, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है, थ्री है, और c कितना है जी, वन बाई थ्री है, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा सॉल्व करो, जब आप सॉल्व करेंगे माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर मिल जाएगा, और माइनस फोर है तो इसको रखेंगे ऐसा ही रहेगा, ठीक है रखो। तो डी इज इक्वल टू फाइनली क्या मिल गया, जीरो। पढ़ो केस जो आपके पास में गिवन है, जरा सा उनको पढ़िए क्या कह रहा है। इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, देन टू इक्वल रियल रूट्स। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर हो जाता है तो दो आपके रियल, सॉरी दो इक्वल रियल रूट होंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि संभावना यहां से आ गया कि हम रूट निकाल सकते हैं बहुत इजीली से, ठीक है। आइए जरा सा रूट निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए होता है, प्रूफ किए थे अभी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू b, जरा देखो कितना है, माइनस टू है तो ऐसे ही रखो, इसको ब्रैकेट के साथ में लेके सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d, यानी कि b स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू निकाले इसको d भी लिख सकते हैं, जीरो आया, ऐसे रहने दो। टू इंटू a, a जरा सा देखो भाई क्या है, थ्री है, ठीक है रहेगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। और जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, तो थ्री टू सिक्स, या तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा दोनों। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, वन बाई थ्री कॉमा वन बाई थ्री, दो इक्वल रियल रूट होंगे, समझ में आ गया। रियल का मतलब है इमेजिनरी नहीं होंगे, इमेजिनरी का मतलब हो गया कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल रूट ही हम क्लास टेंथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इमेजिनरी के बाद कहां आता है, आता है आपका क्लास इलेवेंथ में, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ठीक है। देखो ये है आपका इमेज, ठीक है। आई क्या है, आयोटा है, जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे तो यहां हमें नहीं बताना चाहिए, इसको हटा दो। तो देखो यार एग्जांपल तो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है, एग्जांपल कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं एक्सरसाइज में, पहले इसे कॉपी करेंगे।